ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर ए के वार्ष्णेय से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर वार्ष्णेय, सबसे पहले आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में पिछले 3 सप्ताह से संक्रमित मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, ये एक सकारात्मक संदेश तो है, इसको कैसे देखते हैं? क्या कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है? एक तो अच्छी बात है कि जो मतलब रिकवरी रेट जिसको हम बोलते हैं कि जो ठीक हो रहे हैं वो लगभग 88% के करीब पहुंच रही है काफी जगह, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो संक्रमण एक बार पीक में गया था, लगभग 97,000 गए थे, वो अब घटके जो 70,000 के करीब आ गए हैं, तो ये कम तो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे बार बार सभी लोग कहते हैं कि हमें स्लैक होने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि एक तो हमने सारी एक्टिविटी खोल दी है और हम लॉकडाउन पूरा जो है लगभग खुल चुका है जी, और सामाजिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं, व्यावसायिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं, ट्रांसपोर्ट भी सब जगह हो रहा है, पब्लिक बाहर निकल के आ रही है, और ये हम लोगों ने देखा है कि पीछे के कुछ उदाहरण के जहां पे भी लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं, मान लीजिए कोई रिलीजियस फंक्शन है या कोई बड़ी गैदरिंग है, तो फिर इन्फेक्शन की रेट बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और दूसरे अब ये जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला और हम साइंटिस्ट कम्युनिटी के, आगे जो है विंटर आने वाला है, अब ये अक्टूबर शुरू हो गया, नवंबर दिसंबर या जनवरी, ये जो विंटर के महीने होते हैं ज्यादातर इसमें रेस्पिरेटरी वायरस जो है ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि कोरोना भी एक रेस्पिरेटरी वायरस है और ये पहला विंटर होगा, तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन संभावना है कि इसकी एक्टिविटी बढ़ जाए, तो इसलिए एहतियात रखना बहुत जरूरी है जी। उसमें वही 3 फैक्टर हैं जो हर बार हम लोग लगातार बताते रहे हैं कि हमेशा मास्क पहन के रखें जब भी आप घर से बाहर निकलें, सामाजिक दूरी जितनी भी पॉसिबल हो बना के रखें और लगातार अपने हाथों की साबुन पानी से सफाई करते हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, कोरोना को लेकर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे कई शोध भी प्रकाशित हो रहे हैं, और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो लोगों के जहन में बैठ गई हैं, उन्हें पता नहीं है कि ये सही है या गलत। क्या कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले लोगों के आंख में धुंधलापन आ जाता है? हाँ, देखिए ये रिपोर्ट है, क्योंकि कोरोना वायरस मुख्यतः तो देखिए जो है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है जी, और ज्यादातर केस माइल्ड होते हैं, परंतु ज्यादातर ये लंग्स में अफेक्ट करता है, लेकिन चूंकि ये वायरस है तो ऐसी काफी रिपोर्टें आई हैं कि ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है, और जब नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता है तो उसमें पेशेंट को जो है मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं, उसमें याददाश्त की भी कमजोरी हो सकती है, उसमें पैरालिसिस भी हो जाती है, ये ब्रेन में या तो ऑक्सीजन की कमी से हो सकती है या क्लॉटिंग की वजह से, इसी तरीके से आंखों में भी जो है इसका असर देखा गया है, कि कुछ परसेंटेज में 1-8% केस में रिपोर्ट आई है कि कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है, जो आंखों की झिल्ली होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और उसको कंजंक्टिवाइटिस उससे जो है आंखों की रोशनी पे भी असर पड़ सकता है, धुंधलापन हो सकता है, परंतु ये रेयर केसेज हैं। कुछ केसेज में खबरें आई हैं कि उनको सुनाई देने में भी परेशानी है, एक्यूट इन्फेक्शन हो गया उनका जो सिस्टम होता है और उसको एक्यूट हियरिंग लॉस भी हुआ, तो ये केसेज इक्का दुक्का जरूर आए हैं कि जहां आंखों से भी प्रभावित हुआ है, हमारे कान भी प्रभावित हुए हैं, ब्रेन का सिस्टम भी प्रभावित हुआ, परंतु मुख्यतः जो लक्षण है वो रेस्पिरेटरी होते हैं, और जो ज्यादातर केसेज में जो डेथ होती है वो यही होता है कि जब निमोनिया हो जाता है और उसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, और उसमें अगर समय पर उपचार नहीं मिल पाता, पेशेंट वेंटिलेटर पे चले जाते हैं और फिर उन केसेज में मॉर्टलिटी। डॉक्टर वार्ष्णेय, यहाँ कुछ लोगों के जहन में ये भी सवाल है कि क्या कोरोना वायरस रीढ़ की हड्डी पर भी असर डालता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी अफेक्टेड हो सकती है, और कुछ केसेज में ऐसे आए हैं कि हाथ पैरों में कमजोरी के लक्षण भी आए हैं और स्पाइनल कॉर्ड पे भी असर आया, लेकिन जो हड्डियां एज सच हैं उनको नहीं है, लेकिन जो हड्डियों के बीच में स्पाइनल कॉर्ड है उसमें इन्फ्लामेशन या वायरस कर सकता है। डॉक्टर वार्ष्णेय, बहुत सारे मरीजों में लक्षण ही नहीं है और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनमें बहुत हल्के लक्षण हैं, लेकिन एक शोध के नतीजे ये बताते हैं कि अगर आपको हल्का कोरोना संक्रमण है तो आप महीनों इससे बीमार रह सकते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? काफी केसेज ऐसा देखे गए हैं कि जो माइल्ड केसेज होते हैं जी, जिसमें या तो ये सिम्टोमेटिक होते हैं या बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन होता है शुरू में बाद में, लेकिन ये है कि जो ज्यादातर स्वस्थ व्यक्ति हैं उनमें तो लक्षण बहुत देर तक नहीं रहते, परंतु जो व्यक्ति पहले से जो है सांस की बीमारियों से प्रभावित है
जिनमें अस्थमा की बीमारी है, सीओपीडी की बीमारी है, या जो लोग ओबीज होते हैं जिसमें सांस लेने में लंग्स के फंक्शन वैसे भी पुअर होते हैं, ऐसे लोगों में लंग्स के लक्षण जो है काफी लंबे समय तक रह सकते हैं। उनको खांसी वगैरह ज्यादा लंबे समय तक रह सकती है, सांस लेने में परेशानी ज्यादा है, क्योंकि माइल्ड डिजीज भी कई बार उनकी लंग में फाइब्रोसिस कर देती है, और चूंकि उनके पहले भी लंग के फंक्शन कमजोर हैं तो उसमें जब ये दोबारा लंग का और इन्फ्लामेशन होता है तो वो लंबे समय तक चलता रहता है। तो ऐसे केसेज कुछ जरूर रिपोर्टेड हुए हैं, और अगर इस तरीके के मरीजों को जरूरी है कि वो दोबारा अगर उनके लंबे समय तक हैं तो वो अपने डॉक्टर के पास जाएं और फिर से उनके लंग फंक्शन टेस्ट करके अगर आवश्यक दवाएं हैं तो वो दी जा सकती हैं या बढ़ाई जा सकती है। डॉक्टर वार्ष्णेय, कोरोना के इलाज में कई तरह की दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है और रोज नए नए प्रयोग भी हो रहे हैं। कई सारे मीडिया माध्यमों से इस पर जानकारी दी गई है कि कैंसर की दवा भी कोरोना के इलाज में कारगर है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बहुत सी दवाइयां जो है कोरोना में, चूंकि अभी स्पेसिफिक कोई मेडिसिन नहीं आई है जी, तो बहुत सी दवाइयां जो पहले हम कई बीमारियों में इस्तेमाल करते रहे हैं वो कोरोना में लोग आज जगह जगह ट्राई कर रहे हैं। इसको हम रीपर्पजिंग कहते हैं, ड्रग का रीपर्पजिंग करना। मेन बीमारी किसी चीज के लिए होती है परंतु कोरोना के लिए यूज करते हैं। इसी तरीके से जो जैसे आपने एंटी कैंसर मेडिसिन की बात की जी, तो जो सेरोलिमस ड्रग है या उसके रेपामाइसिन होता है जिसका सेरोलिमस के नाम से आता है, या उसके जो और डेरिवेटिव होते हैं वो कई जगह इस्तेमाल किए गए हैं और उनके कुछ इफेक्ट लोगों ने देखे हैं जी। इसी तरीके से जो है इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग हैं जैसे टॉसिमिलीजर है या उसके कुछ और इम्यूनोमोडुलेटर वो भी इस्तेमाल किए गए हैं, परंतु अभी इनके देखिए बहुत ज्यादा जो है स्टडी की जरूरत नहीं है और स्टडी की जरूरत है, और ये इतनी ज्यादा मतलब ये नहीं है कि फ्रंट लाइन दवा बन गई है। तो काफी जगह लोग आगे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रीपर्पजिंग कर रहे हैं, परंतु अभी हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर ड्रग जो है वो वायरस पे बहुत ज्यादा असर कर रही है और ये उसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। डॉक्टर वार्ष्णेय, जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, क्या वैक्सीन उन तक पहुंच पाएगी? हाँ देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी वैक्सीन कब आती है, और जब वैक्सीन आएगी तो ये जो वैक्सीन है वो कॉमर्शियली अवेलेबल नहीं होगी। ये वैक्सीन गवर्नमेंट की ही कंट्रोल्ड सप्लाई में होगी और गवर्नमेंट उसमें देखिए प्रायोरिटी के हिसाब से देगी, क्योंकि कितनी वैक्सीन उपलब्ध है तो उसमें कुछ ग्रुप बनाएंगे। पहले ये है कि जो लोग बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं, जैसे जो हेल्थ स्टाफ हैं या जो बहुत ज्यादा जिनको असेसमेंट होता है कि इनको इन्फेक्शन होने का खतरा है, पहले उस ग्रुप को दिया जाएगा, बाद में और ग्रुप को दिया जाएगा। और नेचुरली अगर हम अपने देश की बात करें तो 130 करोड़ व्यक्ति हैं, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। तो पहली बात तो इतनी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध होना, फिर सब तक पहुंचाना, वो भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी। परंतु जो भी एक्सरसाइज होगी वो सरकार उचित निर्णय लेकर और कंट्रोल तरीके से करेगी। उसमें ये नहीं होगा कि फ्री मार्केट होगा और इंडिविजुअल जाके जो है वो ज्यादा पैसे दे के या किसी तरीके से ले ले और जो गरीब व्यक्ति को वो दवा ना मिले, ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर वार्ष्णेय, चलते चलते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे जब अनलॉक 5 में बहुत सारी चीजें खुल गई हैं? बिल्कुल, देखिए यही संदेश देने हैं कि जब तक हमारे लिए कोई वैक्सीन नहीं उपलब्ध आती तब तक बचाव ही एक तरीके से इसकी वैक्सीन है, और बचाव के वही तीन चीजें हैं जो बार बार हम लगातार कहते हैं जी। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क पहन के रखें, सामाजिक दूरी जितनी रख सकते हैं वो रखने की कोशिश करें, और अपने हाथों को अच्छी तरीके से सफाई करते रहें जी। और अल्कोहल या नशा या स्मोकिंग इस तरीके का कोई सेवन ना करें, रेगुलर हल्की एक्सरसाइज करते रहें, योगा वगैरह आप कर सकते हैं, वो भी इम्यूनिटी बढ़ाता है जी। और इम्यूनिटी बूस्टर बहुत सी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो हमारा आयुष मंत्रालय बता रहा है, उनका सेवन भी कर सकते हैं उचित मात्रा में। अगर हम ये सब करेंगे तो हम इस इन्फेक्शन से अपने को बचा सकते हैं और समाज को भी हम किस तरीके से इस बीमारी से बचा सकते हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर ए के वार्ष्णेय से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।